हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजिंदर सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा आल बर्ड्स एंड एक्वेरियम ट्रीटमेंट केयर। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो कुछ लोग बर्ड्स पालना चाहते हैं, जो नए लोग हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट से कैसे बर्ड्स लेके आएं और क्या कैसे पालें, क्या करना है, कितना बड़ा केज है उनके लिए। तो ये वीडियो उनके लिए मैंने बनाई है फ्रेंड। और बर्ड्स पालने में कौन सा बर्ड्स हमें पालना है और उनकी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और क्या क्या उनको सीड मिक्स देना है या क्या मेडिसिन देना है, तो फ्रेंड चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि जो पहला फर्स्ट टाइम अगर बर्ड्स पालने का आपका एक्सपीरियंस है तो आप बजरीगढ़ से पालें, क्योंकि बजरीगढ़ ज़्यादा आसान है और कॉलोनी में ज़्यादा क्वान्टिटी में रह सकते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बस सिर्फ समझना है और मैं आपको अपने चैनल में उसके बारे में सारा आपको समझाऊँगा। तो फ्रेंड बर्ड्स जो पालने हैं वो आप पे डिपेंड करता है कितने बर्ड्स अगर आपको पालने हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कॉलोनी अगर बनानी है तो 5 से 10 पेयर आप डालें अपने कॉलोनी के अंदर, और 2 साल में ऊपर वाले ने चाहा तो आपके पास इतने हो जाएंगे कि आपसे आप अपने बर्ड्स ही नहीं संभाले जाएंगे। वैसे तो बर्ड्सीगर आप केज में भी पाल सकते हैं और केज का जो साइज़ है वो 18x18 का आप रखते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और यदि आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड उसके लिए आपको 6 फीट लंबाई और 4 फीट ऊंचाई और 4 फीट चौड़ाई, इसका आप एक केज बना लीजिए और उसके अंदर 5 से 10 पेयर आप आराम से पाल सकते हैं। जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, प्रोग्रेस अच्छी होगी, तो वैसे वैसे आप अपना जो कॉलोनी का साइज़ है वो हल्के हल्के आप बढ़ाते रहिएगा। और फ्रेंड अगर यदि आपके आपका जो घर है, अगर आपके घर में कोई रूम अगर खाली है और आपको लगता है कि मेरा रूम वेस्टेड है, मतलब जो है कोई काम नहीं दे रहा है या घर का सामान उसके अंदर पड़ा है, तो आप उसको खाली करके आप उस रूम में भी बर्ड्स पाल सकते हैं, क्योंकि जब रूम होगा तो बर्ड्स अच्छे इसके अंदर पलते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे जो गर्मियों के टाइम में हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो और ठंड के टाइम में उसके अंदर हवा ना जा सके, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूम मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर रूम है तो उससे बेहतर आपके पास कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट से बर्ड्स कैसे लेके आएँ, कौन सा लेके आएँ जो सबसे अच्छा हो। तो फ्रेंड ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मार्केट के अंदर लोग जाते हैं बर्ड्स में कलर देखते हैं, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप कलर ना देखें और आप ये देखें केज के अंदर थोड़ी देर बैठ के आप देखें कि बर्ड्स जो है सबसे ज़्यादा तेज कौन सा उछल कूद रहा है, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। और जो आपको लगता है कि हाँ ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और फिर उसके बाद आप उसके नाखून देखें कि उसके नाखून कैसे हैं। अगर उसका पैर ठीक ठाक है, बिल्कुल आम बजरी की तरह है और नाखून भी उसके ठीक हैं, और दूसरा उसकी चोंच उसकी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, पर आप देख लीजिए, वो तो आपको बैठे बैठाए पता लग जाएगा, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कैसा बर्ड्स हमें चाहिए। तो वो आप बोल के वही बर्ड्स आप निकलवाइए। और हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड, जब मार्केट से आप उठाएंगे तो मेल कोशिश करिए कि मेल आप पट्ठा लीजिए यंग, और यंग की पहचान ये होती है कि जब वो यंग अवस्था में होता है तो उसकी जो नोज़ होती है वो पिंक कलर की होगी, बिल्कुल डार्क पिंक होगी, और जो फीमेल होगी उसकी एकदम वाइट वाइट होगी और ब्लू कलर का उसके कुछ ब्लूनेस भी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको एडल्ट नहीं लेके आना है, क्योंकि एडल्ट में ये होता है कि कोई भी देखिए अपना एडल्ट पेयर नहीं देगा आपको, जब परेशानी उसको कोई परेशानी होगी तभी वो आपको बेचेगा, और वो आपके घर आते ही ब्रीड करना, कुछ दिन ब्रीड करते हैं उसके बाद ब्रीड करना ख़त्म कर देते हैं। और मैं जो सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप मार्केट से बर्ड्स कम खरीदें। अगर आपका कोई जानने वाला है जिसके पास बर्ड्स हैं और वो अच्छा जानकार है, तो उसको आप लेके जाइए मार्केट, वो आपको बर्ड्स दिला के देगा। और यदि आपके कोई जानने वाला अगर ऐसा नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप लोगों से पूछिए कि बर्ड्स कौन पालता है, किसके पास सेटअप है, आप उसके सेटअप पर जाइए, अपना रेफरेंस दीजिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बर्ड्स खरीदें। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो बर्ड्स के जो पैसे मांगता है थोड़ा सा अपने ज़्यादा मांगता है, लेकिन बट वो अपनी ज़िम्मेदारी भी देता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़िम्मेदार है।
अब मार्केट में क्या होता है, जब आप बर्ड्स लेने के लिए जाएंगे, जो दुकानदार होता है उसको तो सारे बर्ड्स देने, अगर वो यदि यही देखेगा कि किसको अच्छा दूँ किसको बुरा दूँ, तो वो अपने बर्ड्स नहीं बेच पाएगा। तो फ्रेंड वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, उसको तो सारे बर्ड्स एक एक तरह से बेचने हैं। तो फ्रेंड अब दूसरा जो टॉपिक है सीड मिक्स के ऊपर है कि अब हम उनको क्या दें। सीड मिक्स में फ्रेंड जो आपको देना है वो मैं आपको लमसम बता रहा हूँ कि यदि आपके पास कम बर्ड्स हैं, या एक अनुमान बता रहा हूँ, 1 किलो आप कंगनी ले लीजिए। कंगनी वो लीजिए जो आपके शहर में मिलती हो, ज़रूरी नहीं है कि मोटी कंगनी हो या पतली कंगनी हो, जैसी भी कंगनी अगर आपके इलाके में मिलती है वही आप लीजिए, और वो आपको 1 किलो लेनी है। उसके अंदर आपको 250 ग्राम बाजरा मिलाना है, और 100 ग्राम आपको जई मिलानी है, 50 ग्राम आपको सूरजमुखी मिलानी है, और तकरीबन आपको 100 ग्राम आपको समा मिलाना है। ध्यान रखना फ्रेंड समा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समा जो होता है वो फैट फ्री होता है, और अगर आपको ज़्यादा अगर समा खिलाएंगे तो उनके चिक्स लॉस हो सकते हैं फ्रेंड। और आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है फ्रेंड कि जब बर्ड्स दाना खाते हैं और उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दाना कुछ कम होता है, तो आप कोशिश करिए जहाँ पे आपने एक दिन पहले दाना रखा था, मतलब जहाँ आप दाना रखते हैं वहाँ से आप दाना को सब उठाएं और उसको किसी बर्तन में फटक लें। फटकने के बाद आप उसमें और दाना डाल के दीजिए। अक्सर लोगों को होता है कि बट्स दाना ज़्यादा खाता है, तो ज़्यादा दाना खाता नहीं है, वो दाना बिघेड़ता ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये रहा सब बट्स के बारे में। और दूसरी बात फ्रेंड, जब आप कुछ दिन बीत जाएं तो आप उसको देखिए कि मेल जो होगा फीमेल को दाना खिलाएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बर्ड्स अब ब्रीड के लिए तैयार हैं। तो कॉलोनी के अंदर जितने जोड़े आपने छोड़े हैं आप उनकी मटकी टांग दीजिए उतनी ही, जैसे कि हमने 8 जोड़े या 10 जोड़े, जैसे मान के चलिए 10 जोड़े हमने छोड़े हैं, तो आपको क्या करना है कि 10 मटकी, कोशिश करिए 2 मटकी एक्स्ट्रा करके 12 मटकी आप टांग दीजिए, क्योंकि बर्ड्स ये बजरीगर बहुत ज़रा एग्रेसिव होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा मटकी होंगी तो फिर झगड़े कम होंगे उसकी कॉलोनी के अंदर। और जब फ्रेंड जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तब वो ब्रीड शुरू कर देते हैं फ्रेंड। और पहली ब्रीड जब होगी वो 3 से 5 अंडे देते हैं, या ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैंने अक्सर देखा है 3 से 5 अंडे देते हैं। और सेकेंड जब ब्रीड होती है तब वो 6 से 8 अंडे तक देते हैं फ्रेंड। एग हैचिंग की अवधि, मतलब जो अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो 16 दिन से निकलना शुरू कर देता है फ्रेंड। और अंडे से निकलने के बाद वो 32 से 38 दिन में निकलकर बाहर आ जाता है। और फ्रेंड एक बात और, जब बर्ड्स के चिक्स होते हैं नीचे तब आपके उनको सॉफ्ट फूड का ज़रूर ध्यान देना है, सॉफ्ट फूड कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का, ये आपको भरपूर ध्यान देना है। और दोपहर में आपको पालक है या कोई भी सॉफ्ट फूड आपको जरूर ध्यान देना है फ्रेंड। मैं सजेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग में आप सॉफ्ट फूड दें, और सॉफ्ट फूड आपको जैसे कि रात की जो गीली रोटी है, मतलब रोटी को सुबह भिगो के और उसमें एक पाउडर आप डालिए जो कैल्शियम पाउडर है, मैंने वो वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो डाल के और आप कैल्शियम डाल के प्रतिदिन दीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड। ये वीडियो आपको कैसे लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो। धन्यवाद।